नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। आखिर और कितनी बेइज्जती होगी भारत की? यह वही भारत है जब यूक्रेन और रूस के युद्ध में उसने अपना स्टैंड लिया, ना ही वह रूस से दबा और ना ही उसने अमेरिका की बात मानी, जबकि अमेरिका तमाम देशों से लगातार कहता रहा कि यदि आप रूस के साथ खड़े हुए तो आपके सभी व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए जाएंगे यूरोपीय देशों के साथ, आप पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। यह बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही थी, लेकिन भारत बिल्कुल भी नहीं झुका और उसने अपना स्टैंड वही रखा जो आज से पहले सोवियत वॉर के टाइम में था। यानी कि भारत की जो मजबूती है वह लगातार बरकरार थी, लेकिन इस मजबूती को वह लोग खत्म कर रहे हैं, लगातार भारत की निंदा करवा रहे हैं जो लोग काल्पनिक काल्पनिक बातों में जीते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए, कोई भी देश कोई भी राष्ट्र हो सकता है यदि आप अपने धर्म को खुले रूप से वहां जी पा रहे हैं, तो यह देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, यह देश पहले से ही मुस्लिम राष्ट्र है, सिख राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ किसी भी धर्म को दबाया नहीं गया, सभी धर्मों को आजादी है, फंडामेंटल राइट्स में ही धर्म धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, तो इस देश को कोई भी राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी भ्रम में जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता जब ऐसी बातें बोल जाते हैं, जो कि बहुत दिन से चर्चाओं में है, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, जिन्होंने इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर सभी इस्लामिक देशों में रोष की भावना जागृत हो गई, यहाँ तक कि कई देशों ने अपने सुपर स्टोर्स में भारतीय उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, ये एक बेइज्जती हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम बड़े बड़े मोर्चों पर नहीं झुके, लेकिन कुछ नेताओं की एक ओछी हरकत की वजह से हमें झुकना पड़ रहा है। और बात यही खत्म नहीं होती, केवल प्रतिबंध लगाना या देशों ने आपत्ति जताई या फिर निंदा की बात केवल यही खत्म नहीं होती है। हम आपको बता दें कि यूएई के डिप्टी अमीर हैं, तो उनके साथ डिनर का प्रोग्राम था, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का डिनर का प्रोग्राम था उनके साथ। और आप जानते हैं डिनर का जो प्रोग्राम होता है वह खाने के लिए नहीं होता है, कभी दो देशों के जब आला जो कमान होती है जब वह आपस में लंच के लिए मिलते हैं या डिनर के लिए मिलते हैं, वह केवल खाने के लिए नहीं मिलते हैं, यह तो एक नाम होता है, बल्कि वहाँ देश हित की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उस डिनर के नाम पर जो बड़े बड़े सौदे होते हैं वह किए जाते हैं, रुपयों के लेन देन की बात की जाती है, यह बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो यह बड़ी बातें फिर होनी थी डिप्टी अमीर के साथ, लेकिन डिप्टी अमीर ने वेंकैया नायडू के साथ जो डिनर का प्रोग्राम था उसे कैंसिल कर दिया। सोचे, उसे कैंसिल कर दिया गया। बेइज्जती है यह एक बड़ी, कि हमारे उपराष्ट्रपति जाते हैं और वहाँ एक प्रोग्राम होता है, उसी देश में वहाँ का जो आला कमान है वह कहती है कि हम आपसे नहीं मिल सकते। यह एक बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है, इससे भारत को सीख लेनी चाहिए, भारत को ही नहीं बल्कि भारतवासियों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि एक अंधा विश्वास करना या किसी भी, आप किसी भी पार्टी को पसंद कर सकते हैं, यह लोकतंत्र है, अपनी पार्टी बना सकते हैं, राइट विंग की तरफ जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, सेंटर में रह सकते हैं, किसी भी पार्टी का सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पार्टी के किसी भी नेता की गलत बात का विरोध करना आपका अधिकार है, उसको फॉलो करते हुए भी आपको विरोध करना चाहिए। यदि वह कोई असंवैधानिक कार्य कर रहा है और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके पक्ष में खड़े हैं, तो यह अंधभक्ति कहलाती है, देश को डुबाने का कार्य होता है। यह बड़ी बड़ी मिसालें हैं, फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, वहां निरंकुश शासकों को डुबो दिया गया,
उनके किलों को ढहा दिया गया। उस क्रांति से बड़ी राजशाही सत्ताओं का पतन हो गया, बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हिल गए। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान को देख सकते हैं कि वहां लोकतंत्र कितने साल रहा है, आर्मी शासन में जीने वाला वह देश है, क्योंकि वहां पर जो विचारधारा होती थी पीएम की, तो उसके पीछे लोग चलने लगते थे। लेकिन पाकिस्तान में हम उसकी एक वाहवाही करेंगे कि वहां के पीएम जो होता है और वह कोई गलत कार्य करता है, कम से कम उसे फांसी के तख्ते तक ले जाने का पूरा प्रावधान कर देती है अगली सत्ता, और जनता भी उसके पक्ष में रहती है। भले ही डिप्टी अमीर ने जो डिनर का प्रोग्राम कैंसिल किया है, तो उसको लेकर भारत ने यह कहा है कि नुपुर शर्मा की घटना से पहले ही यह कैंसिल कर दिया गया था, शायद कोविड पॉजिटिव है डिप्टी अमीर। यह बातें सामने आ रही है, इन बातों में कितना सत्य है यह तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि यह जो डिले कर दिया गया है डिनर, यानी कि बाद में भी होना ज़रूरी है, तो बाद में यह कब तक होता है यह देखने वाली बात है। लेकिन क्या वाकई में भारत को शर्मिंदा करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? जो भारत किसी भी देश के आगे नहीं झुका, बड़ी बड़ी महाशक्तियों के आगे नहीं झुका, रूस जैसी महाशक्ति भारत से मदद मांगने के लिए आतुर रहती है, आज उस भारत को झुकना पड़ रहा है। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।